स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। गांधी जयंती से एक दिन पूर्व नगर पालिका द्वारा सडौरा में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, यानी 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक एक घंटे का एक स्वच्छता पखवाड़ा। लेकिन नगर पालिका चेयरपर्सन और नगर पालिका सचिव की माने तो उन्होंने कहा कि सारा दिन ये पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक वार्ड में ऐसे पॉइंट देखे जाएंगे जहाँ पर काफ़ी गंदगी है। देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 1 से आरंभ हुआ और काफ़ी गंदगी को यहाँ पर उठाने के लिए काफ़ी कर्मचारी यहाँ पर जुट चुके हैं। चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा, वार्ड नंबर 1 की पार्षद डेजी शर्मा, साथ ही नगर पालिका के सचिव सुरेंद्र मलिक व वाइस चेयरमैन देविंदर उर्फ लवली की देख रेख में यहाँ पर ये पखवाड़ा आरंभ हुआ। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में कर्मचारी सफाई कर्मी यहाँ पर इस पखवाड़े के तहत सफाई कर रहे हैं और जो भी यहाँ पर गंदगी है उसको हटाकर यहाँ से रेडियो में लाद कर साथ ही ट्रॉली खड़ी है उसमें लाद रहे हैं। तो ये पखवाड़ा इसके बाद दूसरे वार्ड में इस प्रकार अनेकों टोलियाँ ये बनी हुई थी और ये टोलियाँ अलग अलग वार्डों में इन्होंने दिन भर ये पखवाड़ा यहाँ पर मनाया गया और लगातार ये व्यवस्था बनाई गई। विक्रम सिंह और उनकी पूरी टीम सहित नगर पालिका कर्मचारी पूरे समय इनके साथ रहे और लगातार ये पखवाड़ा दिन भर चलता रहा। अनेक वार्डों में आज इस पखवाड़े के तहत काफ़ी श्रमदान किया गया है सफाई कर्मचारियों के द्वारा और एक अच्छा खासा अच्छा अभियान, ये कामयाब अभियान आज सडौरा के अंदर रहा। रूटीन में इस प्रकार से पखवाड़ा चलता रहे तो सडौरा एक अच्छे ढंग से साफ सुथरा नगर बन सकता है। प्रत्येक वार्ड में ये पखवाड़ा आज मनाया गया और नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक पूरे समय इस पखवाड़े में देख रेख करते रहे। बात वार्ड नंबर 1 से हुई है जी, क्या कुछ कहेंगे, आज कैसा आयोजन किया जा रहा है मैडम जी? आज स्वच्छता अभियान का आयोजन है जी, जी, वार्ड नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है जी जी जी। तो आपके वार्ड से शुरू किया है इन्होंने? वार्ड नंबर 1 से शुरू किया है जी। तो यहाँ पर काफी मलवा गंध काफी टाइम से इकट्ठा हो रखा था जी, तो थोड़ा बहुत उठाते थे और आज स्वच्छता अभियान के तहत सारी सफाई हो रही है जी, अच्छी तरह सब वार्डों की। तो इसके बाद अलग से दूसरे वार्ड में भी जाएंगे? हाँ जी, 1 से 2, 2 से 3 सब वार्डों में जाएंगे सर। आज सारा दिन कार्यक्रम चलेगा? सारा दिन का कार्यक्रम है आज जी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाइस चेयरमैन जी, पहली बात तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? नमस्कार जी, मैं आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में सफाई अभियान जो सरकार द्वारा चलाया गया है जी, शहर में हर एक वार्ड टू वार्ड चलाया गया है और जिसमें अलग अलग टीमें गठित की गई है। जैसे आपने देखा यहाँ पूरी जो जहाँ भी गंदगी के मेन पॉइंट है वहाँ से सब साफ सफाई शहर में पूरे शहर को चमका दिया जाएगा। इसके अपना गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान जो चलाया गया सरकार द्वारा उसके कार्यक्रम वाइस चेयरमैन जी, हर वार्ड में मतलब होगा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहाँ जहाँ पर, जैसे मेन एंट्रेंस था ये 2 दिन पहले पॉइंट देखे गए थे जी। अच्छा अच्छा, मेन गंदगी जहाँ से इकट्ठी कर नोट कर लिया, चिन्हित कर लिए थे, कर लिया हाँ। मैं टीम में भेजी गई अलग अलग, ठीक है, अलग अलग तरह जैसे अब यहाँ हो रहे हैं वैसे ही हर एक वार्ड में सफाई अभियान चल रहा है हर वार्ड में, तो आज चमका देंगे सडौरा ऐसे हिसाब से तो। हाँ जी, सारे शहर को साफ सफाई। चलो ठीक, बहुत अच्छी दान है। वैसे श्रमदान तो 1 घंटे के लिए, लेकिन आज सारा दिन चलेगा प्रोग्राम ये? हाँ लगभग, ये अब 1 घंटे में तो नहीं खत्म होता, लगभग सारा दिन ही लग जाएगा। चलो जी ठीक है सैनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मनाए गए इस स्वच्छता पखवाड़े के तहत प्रत्येक वार्ड में काफ़ी अच्छे ढंग से साफ सफाई की गई और जो मात्र 1 घंटे का ये श्रमदान था, लेकिन कई घंटे तक ये सफाई कर्मी जुटे रहे, सफाई करते रहे और बहुत अच्छा खासा एक परिणाम भी देखने को मिला। कई वार्डों के जो पॉइंट वास्तव में काफ़ी गंदगी से युक्त हो चुके थे और काफ़ी वहाँ पर सफाई की जरूरत थी, वहाँ पर आज लगाकर समय पूरा वहाँ पर इस अभियान के तहत वो साफ सुथरा किए गए। ये रास्ता सडौरे का एक रास्ता है, वार्ड नंबर 1 में प्रवेश करता है और आज इस रास्ते पर बहुत अच्छे ढंग से सफाई की गई और इस पखवाड़े के तहत वास्तव में आज सडौरा में कई जगह पर ये सफाई अभियान चलाया गया। तस्वीर का एक दूसरा पहलू हम दिखाते हैं। आज सुबह जब हम पार्क में योगा आदि करने के लिए आए तो वहाँ पर बैठने के लिए 4 बेंच थे और उसके पास जो ये दृश्य देखा तो मन दुखी हुआ। रात को किसी ने यहाँ पर जन्मदिन मनाया, केक का एक बॉक्स भी पड़ा हुआ था, पिज़्ज़ा बर्गर ठंडे की बोतलें सब रखा हुआ था सामान और यहाँ पर जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मनाना अच्छी बात है, लेकिन बाद में जो हालत यहाँ पर बनी हुई थी वास्तव में दुखदाई बात थी। कूड़ा करकट चारों तरफ फैला हुआ था,
गंदगी जहाँ पर बैठे हुए थे वो लोग जिन्होंने ये सब इस्तेमाल किया था, उन्होंने जहाँ पर सीटें रखी, सीट बनी हुई है बैठने की, वहीं पर बहुत गंदगी फैला रखी थी, चटनी क्या सामान क्या सब कुछ फैला हुआ था। तो कहते हैं कि सफाई कर्मी वाले को कहते हैं हम कूड़े वाला, उसको हम कूड़े वाला बोलते हैं, गली में आता तो बोलते हैं कूड़े वाला आ गया कूड़ा दीजिए, लेकिन कूड़े वाले कौन है? अरे कूड़े वाला तो हम हैं, कूड़े वाले तो ये लोग हैं जिन्होंने ये गंदगी यहाँ पर डाली है। अरे वो तो कूड़ा साफ करता है, उसको तो कहना चाहिए कूड़े को साफ करने वाला, ये है कूड़े वाले तो हम लोग होते हैं। ये देख सकते हैं आप ये दृश्य यहाँ पर कितना गंदा दृश्य है प्रस्तुत कर रहा था। जैसे हम योग करके उठे तो हमने देखा ये दृश्य बड़ा गंदा था, फिर हमारे जो योग साधक था उन्होंने फिर यहाँ पर साफ़ सफाई व्यवस्था की। तो यही निवेदन करेंगे कि आप लोग कहीं पर बैठिए खाइए जहाँ पर बैठने के स्थान है, लेकिन बाद में ज़रूर इस्तेमाल सफाई की सफाई व्यवस्था बनाए रखें और गंदगी ना फैलाएं। अगर फैल भी जाए तो बाद में उसको इकट्ठा करें। पार्क में भी कूड़ेदान बने हुए हैं और जगह जगह पर कूड़ेदान है, और कूड़े को उचित स्थान पर ही डालना चाहिए। देख सकते हैं पार्क सभी के लिए है, कोई भी इस दृश्य को देखो तो कितना गंदा लगता है। किसी एक व्यक्ति विशेष की ड्यूटी नहीं है कि यहाँ पर वो गंदगी को उठाएगा, हम सब की ड्यूटी है कि हम इसको साफ़ सुथरा रखें। बात कूड़े वाले की चली तो चलिए एक चक्कर बाजार का लगाते हैं। सुबह सवेरे का ये दृश्य है, दुकानें सभी अभी बंद हैं। हम योग करके बाहर निकले हैं तो ये दृश्य हम सबको विचलित करता है कि कितनी गंदगी यहाँ पर पड़ी है। ये गंदगी किसने फैलाई आखिरकार? कुछ दुकानदारों ने, आम लोगों ने, हम सब ने? तो गंदगी को इधर उधर हमने बिखेरा किसके लिए? कि कूड़े वाला कौन? सफाई कर्मी आएगा, कूड़े वाला तो हम हुए, वो सफाई कर्मी आएगा इसको वो साफ करेगा। तो ये हम सब का दायित्व बनता है, चाहे हम दुकानदार हैं या आम जन हैं, कि गंदगी को इधर उधर ना बिखेरें, उसको पोलोथीन में इकट्ठा करके उसके उचित स्थान पर हम रख सकते हैं। ये पुरानी सब्जी मंडी का आप दृश्य आप पहचान गए होंगे, तो चारों तरफ कितनी गंदगी फैली हुई है आप ये दृश्य से हो सकता है प्रत्येक दुकानदार जाते जाते अपने दुकान के आसपास ही गंदगी को समेट ले, कूड़े में कूड़ेदान में रख दे, उसको पोलोथीन में लपेट ले, एक तरफ रख ले ताकि कल को सफाई कर्मचारी आए गाड़ी लेकर तो उसमें वो कूड़ा डाल दें। लेकिन नहीं, किस प्रकार से बिखरा हुआ, यहाँ पर रेहड़ियाँ भी काफ़ी खड़ी होती हैं, बाहर से भी रेहड़ी वाले लगाने के लिए यहाँ आते हैं और देख सकते हैं दृश्य है। तो ये दृश्य सब कुछ कहानी बता रहा है कितने हम लोग सफाई पसंद हैं। ये दुकानों के आगे का दृश्य आप देख सकते हैं, दुकानदारों का भी इसमें योगदान है, इस कूड़े को डालने में आम लोगों का तो है ही यही, दुकानदारों का भी है। ये सब कूड़ा करकट कितनी शोभा को बढ़ा रहा है या घटा रहा है तो हम खुद देख सकते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, प्रत्येक दुकानदार जब अपनी दुकान बंद करे तो ज़रूर आसपास नज़र डालें कि बिना मतलब की जो गंदगी डली है उसको एक जगह कूड़ा करकट का वो ढेर लगा सकता है, एक बड़े पोलोथीन में, दुकान में पोलोथीन की कमी नहीं होती तो उसमें डालकर एक तरफ वो रख सकता है ताकि आते टाइम जो सफाई कर्मी वहाँ पर आए उनको कोई ज़्यादा असुविधा ना हो, इसलिए कूड़ा करकट का एक ढेर में तब्दील किया जा सकता है या फिर पोलोथीन में भी रखा जा सकता है। तो ये हम सब का कर्तव्य है, आखिरकार शहर हमारा है, इसको साफ़ सुथरा रखने का ड्यूटी जो है केवल उन सफाई कर्मचारियों की नहीं है, इसकी ड्यूटी पहली ड्यूटी हमारी है, क्योंकि हम ही फैलाते हैं, वो तो सिर्फ इकट्ठा करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन ड्यूटी तो पहली हमारी है कि हम उसको इधर उधर ना बिखेरें। थोड़ा बहुत बिखरता है वो कर लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा ही बिखरेगा तो इसकी ड्यूटी हमारी बढ़ती है कि अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर रखें। इस मामले में अगर विदेशों की बात करें तो बिल्कुल वो कूड़ा करकट बिल्कुल नहीं डालते, अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं, किसी पर अगर कोई अगर डालना ही पड़े तो वो उचित स्थान पर कूड़ादान में ही डालते हैं। लेकिन हम लोगों की एक ऐसी आदत बनी हुई है, हम इधर उधर कहीं भी बिखेर देते हैं, जो कि फिर वही बेरंग बन जाता है, सुंदरता को जो है ख़राब कर, हमारी दुकान के आगे की सुंदरता को फिर वो दाग लगाता है, हमें ही वो अच्छा नहीं लगता। हम ही खुद अगर नज़र डालें तो कितना कूड़ा करकट यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर जो डस्टबिन रखे हैं उसके अंदर भी सही ढंग से नहीं डालते, इधर उधर बिखेर के चले जाते हैं, जिससे बाद में फिर क्या दुर्गति होती है आपके सामने ये दृश्य आप देख ही रहे हैं। तो हमारा इस पखवाड़े के माध्यम से आप सभी से ही निवेदन रहेगा, अपने शहर को, हमारा सड़ोरा है, हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्म भूमि है, तो उसको साफ सुथरा करने में आप सभी सहयोग करें, केवल उन्हीं से उम्मीद न करें जो सफाई कर्मचारी हैं, वो तो करते ही अपने ड्यूटी का निर्वाह सही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि अपने शहर को साफ सुंदर रखें। आखिरकार हमारा शहर है और हमारा कर्तव्य यही बनता है कि अपने शहर को स्वच्छ सुंदर रखें। स्वच्छ सुंदर रहेगा, कोई रिश्तेदार आएगा तो लगेगा कि वाह आपका शहर तो बड़ा सुंदर है, अगर गंदगी होगी तो कहेगा कि आपका शहर तो बहुत गंदा है, ये हम सब पर ही निर्भर है। तो निवेदन यही रहेगा कि इस स्वच्छता अभियान
महात्मा गांधी के जन्मदिन पर जिसको मनाया जाता है, इसमें हम सब भी शामिल हों और ये प्रण लें कि कम से कम गंदगी डालेंगे और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।